हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माँ ने बताया। ओट्स और मखाने से आज हम एक नई रेसिपी बनाएंगे। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में ओट्स डालेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट रोस्ट करेंगे। अब इसे पैन से निकालकर प्लेट में रख लेंगे। पैन में मखाने डाल दें और इसे भी 2 मिनट तक रोस्ट करें। ध्यान रखें, ये मीडियम फ्लेम पर ही रोस्ट करें। मखाने अब रोस्ट हो गए हैं, अब इसे निकाल कर प्लेट में रख लें। मखाने और ओट्स को मिक्सर जार में डालकर पीस लें। अब इसे बाउल में डाल लें। थोड़ी सी सूजी डाल लें। दही डाल दें। नमक डाल दें स्वाद अनुसार। अब इसे अच्छे से मिलाएं। कुछ हरी सब्जियां लें, इसे चॉपर में डालकर चॉप कर लें। पैन में थोड़ा सा तेल डालें। थोड़ी सी राई डाल दें। अच्छे से मिलाएं। अब इसमें कटी हुई सब्जियां डाल दें और 2 मिनट तक पकाएं। सब्जियों को थोड़ा सा ठंडा होने के बाद अब इसे बाउल में डाल दें। एक चुटकी हल्दी डालें। एक इनो का पाउच डालें, इससे इडली जल्दी बनती है। थोड़ा सा पानी डाल दें। इसे अच्छे से मिलाएं। इडली के सांचे पे थोड़ा सा तेल लगाएं। कुकर में पानी डाल दें। इडली
के सांचे को इडली बैटर से भर दें। कुकर में इडली के सांचे को रख दें। कुकर का ढक्कन बंद करें और विसल निकाल दें और 5 से 10 मिनट तक इसे पकाएं। इडली बनकर तैयार है। आशा करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।